गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को क्लास इलेवेंथ के केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का टॉपिक मोलरता, ध्यान से सुनिए और लिखते चलिए। फर्स्ट टॉपिक क्या है? मोलरता। पहले लिस्ट बनाइए क्या क्या पढ़ने हैं। मोलरता, ठीक। दूसरा नंबर नॉर्मलता, क्लियर। क्या नंबर है दूसरा? नॉर्मलता। तीसरा नंबर मोललता। क्या तीसरा नंबर है? मोललता। चौथा नंबर मोल प्रभाज। फर्स्ट नंबर मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज। तो फर्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, मोलरता क्या है, ध्यान से सुनिए और नोट करते चलिए। किसी भी विलयन के एक लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के एक लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता इक्वल मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, क्लियर। मोलरता इक्वल मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं, हम मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता कैपिटल एम इक्वल डब्लू गुणे 1000 स्मॉल एम इंटू वी मिली लीटर में, ठीक है। जहाँ पर कैपिटल एम क्या है? मोलरता है। स्मॉल डब्लू विलेय का भार, स्मॉल एम विलेय का अणुभार, भी विलयन का आयतन, ठीक है। तो यह फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब विलेय का भार दिया हो, ठीक है ना। किसी किसी प्रश्न में आपको प्रतिशत और घनत्व दिया रहता है, घनत्व, ध्यान दीजिए क्या क्या, प्रतिशत और घनत्व, तब मोलरता एम इक्वल प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10/m। इस फॉर्मूले से हम मोलरता निकाल सकते हैं। कब? जबकि आपको क्या दिया हो? प्रतिशत घनत्व दिया हो। तो अब इस फॉर्मूले को नहीं, अब इस फॉर्मूले से निकालेंगे m इक्वल प्रतिशत गुणे डी है घनत्व गुणे 10/m। m क्या है? अणुभार है, क्लियर। अब दूसरा हमारा टॉपिक है नॉर्मलता। क्या होता है? तो विलयन के एक लीटर में, कितने में, ध्यान दीजिए, विलयन के एक लीटर में उपस्थित तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। फिर से सुनिए और लिखते चलिए। क्या करा है? कह रहा है कि किसी भी विलयन के एक लीटर में उपस्थित तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता को नॉर्मलता बराबर तुल्यांकों की संख्या, किसकी संख्या? तुल्यांकों की संख्या बटे में आयतन लीटर में, क्लियर। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल एन इक्वल डब्लू गुणे 1000 बटे में ई
इंटू भी मिली लीटर में। गौर कीजिए क्या है, नॉर्मलता इक्वल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में ई इंटू भी एम एल में। अब यहाँ पर एन लिखते चले, जहाँ एन नॉर्मलता है, डब्ल्यू विलेय का भार है, ई तुल्यांकी भार है। क्या है? तुल्यांकी भार। कैसे लिखते हैं? तुल्यांकी भार। ये क्या है? तुल्यांकी भार है। और तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करते हैं? भार बटे में संयोजकता, संयोजकता, भार को संयोजकता से भार दे देंगे, भाग दे देंगे, तो हमें ई तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो तुल्यांकी भार इक्वल क्या होगा? भार बटे में संयोजकता। कह रहा है कि इसमें भी यदि प्रतिशत और घनत्व दिया हो, तब ये तो भार दिया हो तो ऐसे निकालेंगे, यदि प्रतिशत और घनत्व दिया हो तब हम कैसे, प्रतिशत और घनत्व दिया हो तब हम कैसे नॉर्मलता निकालेंगे? तो नॉर्मलता n इक्वल कब? जब प्रतिशत और घनत्व दिया हो प्रश्न में, तो नॉर्मलता n इक्वल प्रतिशत गुणे डी गुणे 10 अब बटे में ई, इसमें m अणु भार, इसमें e क्या है? तुल्यांकी भार। लिख देते हैं, तो ये हो गया मोलरता, ये हो गया नॉर्मलता। अब देखते हैं मोललता क्या होता है, तो हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। किसी विलायक के 1 kg में, ध्यान से सुनिए, किसी विलयन नहीं, किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। लिखते चलिए, क्या कह रहा है? किसी विलयन विलायक के 1 kg में उपस्थित मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो मोललता इक्वल मोलों की संख्या, ध्यान दीजिए, मोललता इक्वल मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार केजी में। इसका भार विलायक का, ध्यान से सुनिए, मोललता इक्वल मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार केजी में, जो बराबर, यदि हम शॉर्ट में लिखना होगा तो मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को कैपिटल एम, नॉर्मलता को एन और मोललता को स्मॉल एम। तो मोललता इक्वल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में एम गुणे विलायक का भार ग्राम में, डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में एम गुणे विलायक का भार ग्राम में। क्लियर? डब्ल्यू क्या है भाई? विलेय का भार, एम अणु भार, और ये विलायक का भार हो जाएगा। तो ये मोललता, नॉर्मलता और मोललता। अब हमारा है अगला टॉपिक है मूल प्रभाज, ठीक है ना, इसे कहते हैं भाई। तो ध्यान से सुनिए, किसी विलयन में उपस्थित मूल प्रभाज का परिभाषा लिखिए, और लिखिए किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मूलों की संख्या, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मूल प्रभाज कहते हैं।
फिर से, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं विलयन का मोल प्रभाज, ठीक है ना। और विलयन का मोल प्रभाज को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, इसमें आइए हम देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई विलयन है जिसमें विलेय का स्मॉल एन मोल उपस्थित है और विलायक का कैपिटल एन मोल उपस्थित है, विलेय का स्मॉल एन मोल और विलायक का कैपिटल एन मोल उपस्थित हो, तो हम क्रम से निकालेंगे विलेय का मोल प्रभाज इक्वल विलेय के मोलों की संख्या, मतलब कि स्मॉल एन, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, क्लियर। जो बराबर हम लिख सकते हैं मोलों की संख्या बराबर स्मॉल डब्लू बटे में स्मॉल एम बटे फिर स्मॉल डब्लू बटे में स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्लू बटे में कैपिटल एम। जब विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। जब विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो क्या करेंगे, अब विलायक का मोल प्रभाज तो विलायक के मूलों की संख्या कितना था, विलायक के मूल कैपिटल एन बटे में विलायक के मूल प्लस विलेय के मूल, जो बराबर कैपिटल डब्लू बाई कैपिटल एम बटे में कैपिटल डब्लू बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल डब्लू बाई स्मॉल एम। ये हो जाएगा मूल प्रभाज, ठीक है ना। तो विलेय का मूल प्रभाज के लिए हम क्या प्रोफेसर लिखेंगे, तो विलेय का मूल प्रभाज बराबर विलेय के मूलों की संख्या बटे में विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, ये परिभाषा हो जाएगा। और फॉर्मूला लिख देंगे ये स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब इसको विस्तार कर देंगे उसी तरह से, विलायक का मूल प्रभाज इक्वल विलायक के मूलों की संख्या बटे में विलायक प्लस विलेय के मूलों की संख्या, इसको भी हम विस्तार कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग का आता है अगला टॉपिक है रासायनिक संयोग का नियम, हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, और इसी क्रम में हम लोग स्टडी करेंगे रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम क्या है, इस पर गौर करते हैं। रासायनिक संयोग का नियम क्या है, कह रहा है ध्यान से सुनिए, पदार्थ आपस में क्रिया करके, क्या कह रहा है, पदार्थ आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो पदार्थों के बीच होने वाली क्रिया कुछ नियमों पर आधारित होती है जिसे रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। पदार्थ
आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, तो पदार्थों की क्रियाएं कुछ नियमों पर आधारित होती है, जिसे रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। क्लियर? तो रासायनिक संयोग के नियम में हमें 5 नियम जो है कि अध्ययन करना है। इसमें ध्यान से सुनिए कौन कौन नियम है और लिख लीजिए। पहला है द्रव्य के संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्य के संरक्षण का नियम, द्रव्य की संरक्षण का नियम क्या कहता है भाई? द्रव्य की संरक्षण का जो नियम है क्या कहता है? तो पहला नियम है द्रव्य के संरक्षण का नियम। तो लिखिए, कह रहा है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ही कहते हैं द्रव्य के संरक्षण का नियम। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व जो उत्पाद का कुल भार है, अभिक्रिया के बाद बने जो अभिकारक का कुल भार है, अभिक्रिया के बाद बने उत्पाद के कुल भार की बराबर होता है। इसे कहते हैं द्रव्य के संरक्षण का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात का नियम, नोट कीजिए। दूसरा क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। क्या कह रहा है? कोई भी यौगिक चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, कोई भी यौगिक चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का अनुपात नियत रहता है। कोई भी यौगिक चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भारों का अनुपात, परमाणुओं के भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भारों का अनुपात नियत रहता है, स्थिर रहता है। इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक ना? तीसरा नंबर है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या है? गुणित अनुपात का नियम, हेडिंग लिखते चलिए, बढ़िया से एकदम नोट बनाते चलिए। गुणित अनुपात का नियम, दो पदार्थ आपस में क्रिया करके, दो तत्व आपस में क्रिया करके,
ध्यान दीजिए, दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो इस क्रिया में एक तत्व का भार का स्थिर अनुपात, एक तत्व के भार का स्थिर अनुपात दूसरे तत्व के भार के भिन्न भिन्न अनुपात के बराबर होता है। दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो इस क्रिया में एक तत्व के भार का स्थिर अनुपात दूसरे तत्व के भार के भिन्न भिन्न अनुपात में संयोग करता है। एक तत्व का स्थिर अनुपात और दूसरे तत्व होगा उसके भार का भिन्न भिन्न अनुपात, सरल अनुपात उस तत्व से क्या करता है, संयोग करता है। इसलिए से बोलते हैं, क्या कहते हैं, आपका गुणित अनुपात का नियम। और तीसरा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, अनुपात का नियम लिखते चलिए परिभाषा। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये आधा तो है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहता है कि, ध्यान दीजिए, व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम ये कहता है कि, क्या कहता है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहता है कि दो तत्वों के भिन्न भिन्न मात्रा, दो तत्वों के भिन्न भिन्न मात्रा अलग अलग, दो तत्वों के भिन्न भिन्न मात्रा अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करता है। दो तत्वों के भिन्न भिन्न मात्रा अलग अलग किसी तीसरे तत्व की स्थिर मात्रा से संयोग करता है। दो तत्वों के भिन्न भिन्न मात्रा अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करता है। यदि इनमें, इन दोनों में कभी संयोग होता है तो वे उसी अनुपात में या उसके सरल गुणित अनुपात में आपस में अभिक्रिया करते हैं। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि दो तत्वों का भिन्न भिन्न मात्रा अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं। यदि इन तत्वों में आपस में कभी संयोग हो सके तो वे उसी अनुपात में या उसके सरल गुणित अनुपात में आपस में संयोग करते हैं। ये हो गया आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया चौथा नंबर, और पांचवा नंबर कह रहा है गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। क्या है गैलुसाक का गैसीय
आयतन, संबंधी नियम, गेलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम क्या कहता है, नोट कीजिए। गेलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम कहता है कि भिन्न भिन्न गैसें आपस में अभिक्रिया करती है, भिन्न भिन्न गैसें आपस में क्या करती है, अभिक्रिया करती है। यदि उत्पाद भी गैसीय अवस्था में हो तो भिन्न भिन्न गैसें आपस में अभिक्रिया करती है, यदि उत्पाद भी गैसीय अवस्था में हो तो गैसीय उत्पाद का आयतन गैसीय अभिकारक के आयतन के बराबर या सरल गुणित अनुपात में होता है। गैसीय अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं, यदि उत्पाद भी गैसीय अवस्था में हो तो उत्पाद गैसों का कुल आयतन अभिकारी गैसों के आयतन के बराबर या उसके आयतन के सरल अनुपात में होता है। यही जो है कि गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम है। तो ये आपके हो गए टॉपिक, ठीक ना, जिसको मैंने यहाँ पर बता दिया। अब इन सभी टॉपिकों पर एक एक दो दो न्यूमेरिकल अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से इन सभी टॉपिकों का डिफिनीशन का नोट्स बना लीजिए, उस नोट्स को तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। और क्रम से सब पर जो है कि हम फार्मूला तो हो ही गया है, एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल बताएंगे। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो है कि लाभ आपके और मित्रों को मिले, इसके लिए क्या करेंगे तो शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स।